हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, इट्स टाइम टू स्टडी। हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर टू, लास्ट लेक्चर वी स्टडीड अबाउट व्हाट इज मैनेजमेंट, व्हाट इज द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड व्हाट आर द नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो आज का जो वीडियो है इसमें आपको मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स का सिग्निफिकेंस हमें स्टडी करना है। व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल, वो आपको इस वीडियो में डिटेल मिलेगा। सो ये वीडियो लास्ट तक देखिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रिगार्डिंग सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन मूव टूवर्ड्स अवर पॉइंट नंबर वन। सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का इम्पोर्टेंस क्यों है, वाई इट इज इम्पोर्टेंट। पॉइंट नंबर वन, इट प्रोवाइड्स अ यूजफुल इंसाइट टू द मैनेजर। मैनेजर्स आर द सोल पर्सन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। हमको हमें पता है मैनेजर्स आर द मेन बेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज मैनेजर्स ही वो है जो हर एक डिपार्टमेंट को कंट्रोल करते हैं। सो मैनेजर्स हेल्प्स टू इम्प्रूव और इट हेल्प्स मैनेजर टू इम्प्रूव और मैनेजर्स कैन इम्प्रूव द पोजिशन ऑफ द कंपनी। मैनेजर्स कैन इम्प्रूव द ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिटेबिलिटी पोजिशन। और मैनेजर्स को कौन हेल्प करता है, प्रिंसिपल्स। बिकॉज मैनेजर्स के लिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इट हेल्प्स देम टू गेट द सोल्यूशन टू डिफरेंट प्रॉब्लम्स, हाउ टू रिएक्ट टू द सिचुएशन, हाउ टू हैंडल द डिफरेंट सिचुएशन, अलग अलग सिचुएशंस को कैसे हैंडल किया जाए, ये किसकी वजह से हमें पता चलता है, बिकॉज ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सो मैनेजर्स के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, बिकॉज इट हेल्प्स देम टू इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन। वो सिचुएशन को प्रॉपरली हैंडल कर सकते अगर वो उसको समझेंगे तो, एंड ऑल्सो हेल्प देम टू फाइंड आउट द सोल्यूशन। सो मेन बेसिक इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इज टू मैनेजर, बिकॉज इट हेल्प देम टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम्स एंड फाइंड आउट द सोल्यूशंस टू द प्रॉब्लम, हाउ टू टैकल द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम्स को टैकल कैसे किया जाए, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे किया जाए, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और मैनेजर्स के लिए कौन हेल्प करता है, गाइडलाइंस गिवन बाय प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसलिए फर्स्ट पॉइंट इज प्रोवाइड्स यूजफुल इनसाइट टू मैनेजमेंट, फर्स्ट हेल्पफुल इज टू मैनेजर्स। सेकेंड इज इट हेल्पफुल इन इफिशियंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इफिशियंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मीन्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं उसका हमें वेस्टेज कम करना है, जितना पॉसिबल हो सके उसका मिनिमाइज द मिनिमम वेस्टेज एंड मैक्सिमम आउटपुट हमें निकालना है। सो अगर हमने मिनिमम वेस्टेज कम किया तो ऑटोमेटिकली अपना खर्चा कम होगा। सो देर आर मेनी रिसोर्सेज विच हैव टू बी सेव फॉर फ्यूचर। हमें रिसोर्सेज को फ्यूचर के लिए सेव करना है। सो फिजिकल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज दोनों में क्या होना चाहिए, बैलेंस। एंड उसको कैसे यूज करना है, हमें ऑप्टिमम यूज मीन्स वेस्टेज मस्ट बी रिड्यूस एंड कॉस्ट मस्ट ऑल्सो बी रिड्यूस। अगर वेस्टेज कम हो ऑटोमेटिकली खर्चा कम होगा एंड मैक्सिमम आउटपुट मिल सकता है। फिजिकल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज में मशीन्स एंड ऑल आएंगे एंड ह्यूमन रिसोर्सेज में वर्कर्स एम्प्लॉय जो हमारे कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के असेट्स होते हैं। दोनों का भी हमें वेस्टेज कम करना है, दोनों में प्रॉपर बैलेंस रखना है ताकि ऑप्टिमम यूज होगा। ये हमें किससे थ्रू हेल्प होता है, बिकॉज ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स वी कैन हेल्प इट, वी कैन यूज इट एज अ गाइडलाइंस फॉर इफिशियंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सेकेंड पॉइंट, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, बिकॉज वो हमें गाइडलाइंस देते हैं एंड इट हेल्प अस इन इफिशियंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। दोनों में बैलेंस कैसे रखा जाए, फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्स दोनों में बैलेंस कैसे रखा जाए, तो हमारे लिए कहाँ से हेल्प मिल सकती है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से हमें हेल्प मिलती है। पॉइंट नंबर थर्ड इज साइंटिफिक डिसीशन। साइंटिफिक डिसीशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट एंड मैनेजमेंट प्रिंसिपल हेल्प अस टू टेक द साइंटिफिक डिसीशन। मैनेजर्स कैन टेक द साइंटिफिक डिसीशन हाउ टू हैंडल अ क्रिटिकल सिचुएशन साइंटिफिकली। साइंटिफिकली लॉजिक होते हैं, थेरम्स होते हैं, रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं। तो सारे हमें नियम लागू करते समय हमें थोड़ा बहुत साइंटिफिक वे भी जाना पड़ता है। हमेशा हम लोग ऐसे रिजल्ट को हम लोग स्टडी नहीं कर सकते या ऐसे हम लोग प्रॉब्लम स्टडी कर नहीं सकते। हमारे लिए साइंटिफिक डिसीशंस लेना भी इम्पोर्टेंट है। सो मैनेजर्स के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इट हेल्प देम टू टेक साइंटिफिक डिसीजन। प्रिंसिपल्स के जैसे हम लोग ट्रेन द मैनेजर, बिकॉज ऑफ प्रिंसिपल्स वी कैन हेल्प और वी कैन ट्रेन द मैनेजर। हम लोग मैनेजर्स को ट्रेन कर सकते हैं टू हैंडल अ क्रिटिकल सिचुएशन, बहुत ही डेंजरस और क्रिटिकल सिचुएशंस है तो हमें हैंडल कैसे करना है,
तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हमें साइंटिफिकली हैंडल करने के लिए भी हेल्पफुल करते हैं। साइंटिफिकली मीन्स एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर सकते, रिसर्च, ऑब्जर्वेशन, दिस ऑल आर द साइंटिफिक मेथड्स। और मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हमें साइंटिफिक रूल्स रेगुलेशन अप्लाई करने की भी मदद करते। मीन्स मैनेजर्स कैन इम्प्लीमेंट साइंटिफिक रूल्स, थेरीज, ऑब्जर्वेशन, रिसर्च, एक्सपेरिमेंट्स, ये सब कंडक्ट करके वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए थर्ड पॉइंट क्या है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल इज हेल्पफुल फॉर साइंटिफिक डिसीशंस। पॉइंट नंबर 4 इज अंडरस्टैंडिंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। खाली बिजनेस में प्रॉफिट कमाना हमारा मेन एम नहीं होता, ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम प्रॉफिट कमाना नहीं होता ओनली। अलॉन्ग विद प्रॉफिट अदर ऑल्सो देयर आर मेन एम। सो व्हाट इज द मेन मोटिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? प्रॉफिट प्लस कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन प्लस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स वेरियस पीपल्स। सो हमारे लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो हमें फॉलो करना पड़ता है। तो बीइंग अ बिजनेसमैन, बीइंग अ एंटरप्रेन्योर, बीइंग एन ऑर्गेनाइजेशन, हमारे लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इंपॉर्टेंट होती है। और मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हमें गाइड करते हैं रिगार्डिंग अंडरस्टैंडिंग अवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारी कुछ जिम्मेदारी है रिगार्डिंग टू सोसाइटी, रिगार्डिंग टू अवर एम्प्लॉइज, रिगार्डिंग टू अवर एम्प्लॉय हु इज वर्किंग इन अ ऑर्गेनाइजेशन, रिगार्डिंग टू सोसाइटी, रिगार्डिंग टू एनवायरमेंट। सो ये इसके लिए हमें ट्रेनिंग रिगार्डिंग टू गवर्नमेंट। तो हमें ये सब पॉइंट ऑफ व्यू को माइंड में रख के हमें डिसीजंस लेने होते हैं। सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या क्या इसके लिए हेल्प करती है? फोकस ऑन वॉट? गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट फेयर प्राइस। सबसे पहला ये कंज्यूमर की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कंज्यूमर बीइंग अ कंज्यूमर हमारे इंटेंशन क्या होते हैं, हमें क्या चाहिए होता है? गुड क्वालिटी प्रोडक्ट और रिजनेबल प्राइस। प्राइस भी कम होनी चाहिए और प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए? और हमें क्या नहीं चाहिए? आर्टिफिशियल मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन नहीं चाहिए। मार्केट में बोलते हैं कि स्टॉक नहीं है, बट एक्चुअली स्टॉक होता है और ब्लैक में बेचते हैं, तो ये रॉन्ग सिचुएशन। उसको क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन। मीन्स स्टॉक इज देयर इन द मार्केट, बट व्हाट दे आर शोइंग द स्टॉक इज नॉट देयर इन द मार्केट एंड दे सेल एट हायर प्राइस। चेंज इन एनवायरमेंट बदलता रहता है, तो हमें उसके अनुसार एडजस्ट कैसे करना है? तो हमारे लिए मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हमें हेल्प करते हैं। सो पॉइंट 4 इज व्हाट? अंडरस्टैंडिंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। पॉइंट नंबर 5 is encourage research and development. So management principle help in an organization to conduct research and developmental activities. So research के लिए कैसे help करते हैं? managers को to make improvement in them. हमारे inside में जो qualities है वो inbuilt होती है, but हमें कुछ qualities by training, via mode of thinking, हमें यहाँ वहाँ से search करके ये हमें सीख के लेनी पड़ती है, तो उसको ट्रेनिंग बोलते हैं। तो कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग्स दिए जाते हैं एम्प्लॉयज को ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब। मतलब इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन दिया तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग, आउटसाइड बाहर भेजा हमें तो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। सो न्यू मेथड्स एंड टेक्निक्स कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, हमें क्या करना चाहिए तो हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा, उसके रिलेटेड रिसर्च करना पड़ता है। सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एनकरेज मैनेजर्स टू मेक इम्प्रूवमेंट इन देम बाय अडॉप्टिंग न्यू मेथड्स एट वर्किंग प्लेस। ऑल्सो हेल्प्स इन फाइंडिंग न्यू टेक्निक इन द फील्ड। हमारे लिए क्या और अच्छा करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट बढ़ेगा, हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा, हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, हमारा सेल इंक्रीज हो सकता है। उसके रिलेटेड हमें न्यू मेथड्स इंप्लीमेंट करने हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करनी है, रिसर्च करना पड़ता है हाउ टू इंप्लीमेंट, हाउ टू गिव ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉई और वर्कर। न्यू मशीन्स जो लाएंगे उसके रिलेटेड ट्रेनिंग्स देने पड़ती, न्यू टेक्नोलॉजी इन्वेंशन करना है तो उसके रिलेटेड रिसर्च करना पड़ता है, न्यू टेक्निक्स अडॉप्ट करने हैं। तो इसके रिलेटेड मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इज अ बेसिक, सो दैट इट हेल्प अस टू इम्प्लीमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज। पॉइंट नंबर 6 इज हेल्प्स टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल। ऑर्गेनाइजेशन के जो डिपार्टमेंट होते हैं अलग अलग, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, परचेसिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, इन एचआर डिपार्टमेंट, सब में क्या होता है, सभी डिपार्टमेंट में क्या होनी चाहिए? यूनिटी। बिकॉज ये वी आर इन अ वन ऑर्गेनाइजेशन, भले ही डिपार्टमेंट अलग है बट एक फैमिली के हम लोग मेंबर है, और हमारी फैमिली मीन्स हमारी कंपनी। सो ऑर्गेनाइजेशन में यूनिटी होनी ही चाहिए। सारे डिपार्टमेंट में यूनिटी होगा तो हमारा कॉमन गोल अचीव होगा, अदरवाइज हमारा कॉमन गोल अचीव नहीं हो सकता है। सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इट हेल्प्स टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट। सभी डिपार्टमेंट में क्या होनी चाहिए? यूनिटी, कोऑपरेशन अमंग डिफरेंट एम्प्लॉयज वर्किंग इन
डिफरेंट डिपार्टमेंट, एक दूसरे में डिस्प्यूट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स होगा तो अपने मार्केट में अपनी इमेज कम होगी, प्रॉफिट डिक्रीज होगा, तो हमारी कंपनी के इनसाइड में अपनी पोजीशन अच्छी होनी चाहिए, हमारे डिस्प्यूट्स कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होने चाहिए, सारी यूनिटी होनी चाहिए, मिलजुल के काम करना ही है हमें। इस रिलेटेड हमें मैनेजमेंट प्रिंसिपल गाइड करते हैं कि हमारे लिए सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन अगर हमें बनना है तो हमारे इनसाइड में एम्प्लॉइज वर्कर्स के बीच में क्या होना चाहिए, यूनिटी, बट नॉट इनसाइड द डिपार्टमेंट के इनसाइड में यूनिटी नहीं होना चाहिए, बट ऑल द डिपार्टमेंट विच आर देयर इन अवर ऑर्गेनाइजेशन। सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हमें क्यों क्या हेल्प करते हैं, टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल द डिफरेंट डिपार्टमेंट एम्प्लॉइज वर्किंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट। पॉइंट नंबर 7, इट डेवलप्स ऑब्जेक्टिव अप्रोच। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हमें ऑब्जेक्टिव की तरफ लेने, हमें ऑब्जेक्टिव की तरफ जाना है, बराबर, हमें जाना है ऑब्जेक्टिव्स की तरफ, तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स को हाउ टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स, हमारे ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग अचीव कैसे करें, तो हमारे लिए गाइडेंस है। बेस गाइडेंस कहाँ से मिल सकता है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के। मैनेजमेंट प्रिंसिपल से मैनेजर्स को क्या मिलता है, एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, दे कैन आइडेंटिफाई द बिजनेस अपॉर्चुनिटी, हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं अपॉर्चुनिटी कि हम कहाँ है, वेयर वी आर एंड वेयर वी वॉन्ट टू गो, और उसके रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे अभी से, प्लानिंग फॉर फ्यूचर। फिर उसके बाद हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, कॉज ऑफ आवर प्रॉब्लम्स, हमारा प्रॉब्लम्स क्या है, एंड प्रोवाइड्स प्रॉपर सॉल्यूशंस ऑन इट। प्रॉब्लम्स तो हम लोग देखेंगे और उसका प्रॉपर सॉल्यूशन भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, प्रॉब्लम क्या है और उसका सॉल्यूशन, वो हमारे लिए क्या है, प्रॉब्लम्स क्यों हुआ है, ये ऐसा ऐसा प्रॉब्लम क्यों हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे मार्केट में हमारा प्रोडक्ट कम सेल हो रहा है, व्हाई, बिकॉज प्रॉब्लम क्या है, हमारी क्वालिटी अच्छी नहीं है, प्राइस बहुत ज़्यादा है, या फिर हमारा एडवर्टाइजमेंट नहीं है, इसलिए एडवर्टाइजमेंट में मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कम पड़ रही है। तो हमारे लिए 3-4 अल्टरनेटिव सो ऑप्शन है कि व्हाट इज द मेन कॉज, उसमें से एक कॉज पता चला हमारे लिए क्या मेन प्रॉब्लम था, हमारे एडवर्टाइजमेंट कम कर रही है, तो हमारे लिए सॉल्यूशन है कॉन्सेंट्रेट ऑन एडवर्टाइजमेंट। सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, वी आर फाइंडिंग द कॉज एंड देन वी आर फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, सो इट इज कॉल्ड डेवलप्स ऑब्जेक्टिव अप्रोच। थैंक यू।